नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात के साथ मैं शीतल शर्मा। उत्तराखंड के जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रहा भू धंसाव थम नहीं रहा है। दशकों से चली आ रही भू धंसाव की समस्या ज्यों की तू है। 45 वर्ष पहले क्षेत्र में हो रहे भू धंसाव को लेकर मिश्रा कमेटी ने यहाँ का भू सर्वेक्षण भी किया था, जिसमें जोशीमठ नगर को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे सुझाव दिए गए थे। अगर उत्तराखंड की सरकारों ने उस रिपोर्ट पर अमल किया होता तो आज जोशीमठ में रह रहे लोग खतरे के साय में जीने के लिए विवश न होते। हाल ही में शासन की ओर से गठित भू वैज्ञानिकों की टीम ने नगर को लेकर वही आशंकाएं जाहिर की है जो 45 साल पहले हुए सर्वे में जताई गई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले का ऐतिहासिक नगर जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। धार्मिक दृष्टि से उत्तराखंड के प्रमुख नगरों में से एक जोशीमठ में नरसिंह मंदिर भी स्थित है। राज्य बनने के 22 वर्षों बाद भी सरकार का ध्यान धीरे धीरे मरते जोशीमठ की ओर नहीं जा रहा है। जोशीमठ के लोग मकानों में पड़ रही दरारों के साथ डर के साए में रह रहे हैं। जोशीमठ का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो भू धंसाव से अछूता हो। जोशीमठ दशकों से ये भू धंसाव की समस्या को झेल रहा है। 45 वर्ष पहले क्षेत्र में हो रहे भू धंसाव को लेकर मिश्रा कमेटी ने यहाँ का भू सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्होंने जोशीमठ नगर को सुरक्षित रखने के लिए कई सुझाव दिए थे। यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने उस रिपोर्ट पर अमल किया होता तो आज जोशीमठ में रह रहे लोग खतरे के साए में जीने के लिए विवश न होते। हाल ही में शासन की ओर से गठित भू वैज्ञानिकों की टीम ने नगर को लेकर वही आशंकाएं जाहिर की हैं जो 45 वर्ष पहले हुए सर्वे में जताई गई थी। चलिए तो मुद्दे की बात शुरू करते हैं। मुद्दे की बात में आज हमारे साथ अतुल सती जी जुड़ गए हैं जो जोशीमठ से सामाजिक कार्यकर्ता है। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। अतुल जी, पहले मैं आपके माध्यम से जोशीमठ के बारे में भी कुछ जानना चाहूंगा। बुनियादी तौर पर वहां के जो भौगोलिक स्थिति है, वहां के जो हालात हैं, वो क्या है? आखिर क्यों इस तरह की जो है वहां पर यह स्थिति बनी हुई है? अब ये स्थिति है तो क्योंकि जो फ्लू के अध्ययन है जोशीमठ के बारे में, वो 1976 से पहले एक अमेरिकन भूवैज्ञानिक ने भी अध्ययन किया और उसने भी ये बात कही 1932-33 में कि जोशीमठ जो है एक मोरैन पर बसा है, एक भूस्खलन स्थायी क्षेत्र है, यानी कि जो बर्फ द्वारा लाई गई मिट्टी है, ग्लेशियरों की मिट्टी, उसके ऊपर जोशीमठ शहर जो है अवस्थित है, ये उन्होंने भी कहा। और फिर इस बात को 1976 में जब जोशीमठ के आसपास बहुत ज्यादा भू धसाव भूस्खलन होने लगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। उस समय के जो गढ़वाल के कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा, उनके अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने भी अपनी फाइंडिंग में ये कहा कि ये मोरैन पर बसा हुआ है और ये भूस्खलन का स्थायी क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यहाँ जो बोर्डर है नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने कुछ उपाय बताए कि जो अलकनंदा नदी है वो ही नीचे से जोशीमठ को काटती है, लिहाजा वहाँ रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बनाई जाए, वृक्षारोपण किया जाए। लेकिन पिछले 30-40 सालों में सरकारों ने कमेटी के रिपोर्ट को कभी गंभीरता से नहीं लिया, न उस पर अमल किया। उसका नतीजा है कि पिछले फरवरी में जो आपदा आई, 7 फरवरी 2021 में, उसके बाद जो है अक्टूबर में 17, 18, 19 अक्टूबर 2021 में बड़ी जबरदस्त बरसात की 3 दिनों में, और उसके बाद नवंबर के महीने से हमने देखना शुरू किया कि जोशीमठ के घर मकानों पर और रही है, बच्चे वहाँ की सड़कें नीचे धस जा रही है, वहाँ जो है भूमि धस रही है। बिल्कुल अतुल जी, और भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि जल निकासी का अभाव होना या फिर भवनों का जो कंस्ट्रक्शन है उचित तरीके से होना, इस तरह की बड़ी बातें सामने आ रही है। हालांकि 1945 में एक मिश्रा कमेटी जो है 45 साल पहले माफ कीजिए मिश्रा कमेटी बनाई गई थी, जिसके चलते वहाँ का सर्वेक्षण भी किया था, वहाँ का दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद सरकार नहीं जागी। आज फिर उसी हाल में लोगों को जीना पड़ रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल
वही हमारा कहना है कि पिछले 40-45 सालों में मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो धूल खाती रही, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। और 1991 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जोशीमठ में एक बाईपास सड़क बन रही थी और बाईपास सड़क को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया केवल मिश्रा कमेटी के आधार पर कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि अगर जो है जोशीमठ में कोई भी भारी और वैसा निर्माण कार्य हुआ तो जोशीमठ के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा जो है वो बाईपास सड़क रोक दी गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जोशीमठ में बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, जोशीमठ के नीचे से सुरंग ले जाई जा रही है, वहाँ बड़ी सड़कें और इस तरह का निर्माण बिना जो है वहाँ की भौगोलिक और भूगर्भिक स्थिति को देख के हो रहा है। इसने जो है जोशीमठ को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। और अब जो है हालात ये हैं कि वहाँ की जो 20-25 हजार की आबादी है, इस आबादी के जीवन पर, उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा जो है लगातार हमारे बोलने, दबाव बनाने के बाद सरकार ने अभी कुछ एक कमेटी भेजी थी अगस्त महीने में, और उस कमेटी ने भी जो है इन्हीं बातों को दोबारा से दोहराया है और कहा है कि बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, अगर यहाँ तत्काल जो है नए निर्माणों को नहीं रोका गया, भारी निर्माण को नहीं रोका गया, तो ये खतरनाक हो जाएगा इस शहर के अस्तित्व के लिए। और भूवैज्ञानिकों के साथ जब हमने, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है उनकी जो सरकार को उन्होंने दी है, उसके अलावा जब आप उनसे अलग से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो रिपोर्ट में कम लिखा है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट है, हालात उससे भी ज्यादा भयावह है। सरकार का क्या रुख है इस समय, स्थिति क्या बनी हुई है और सरकार क्या कर रही है, सरकार का रुख क्या है वहाँ की? सरकार तो जो है, हालात ये है कि अक्टूबर नवंबर महीने से हमने कहना शुरू किया, दिसंबर में बाकायदा इसको लेके प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे चिट्ठियां पत्रियां हमने दी, उसके बाद भी जब सरकार ने कमेटी गठित नहीं की तब हमने स्वतंत्र वैज्ञानिकों से एक सर्वे करवाया और स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट हमने सरकार को सौंपी, उसके बाद सरकार ने जो है ये कमेटी गठित करके भेजी है। अब इस कमेटी में भी जो है इन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट में, आपने देखा होगा, कहा है एक और भी एक्सपर्ट कमेटी की गठित किए जाने की जरूरत है जो टेक्निकली ये बताए वहाँ किस तरह का निर्माण होना चाहिए, क्या ऐसा किया जाए तो जोशीमठ को बचाया जा सके। बिल्कुल। तो अब सरकार के ऊपर है कि वो जो है इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि अगर वो जैसा कि पहले हुआ कि हम नवंबर दिसंबर से चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे और सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अगर वैसा ही रवैया फिर से होता है तो जोशीमठ के लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा। ठीक है अतुल जी, ठीक है, जरा बारीकी से समझना चाहूंगा और मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे, थोड़ा बारीकी से आप बता दीजिए कितना इलाका उस एरिया में, कितना जो इलाका है वो पड़ता है, कितना क्षेत्र है, कितने सारे लोग वहां पर हैं, कितने गांव हैं जो इस उस एरिया में आते हैं जहां पर ये खतरा जो है वो साबित हो सकता है। अभी तो जो ये रिपोर्ट है केवल जोशीमठ नगर के बारे में है, जोशीमठ नगर जो है सीमा पर बसा हुआ अंतिम नगर है, भारत की जो चीन से लगती हुई सीमा है उसका आखिरी बड़ा शहर जो है जोशीमठ है। और जोशीमठ केवल, बात यह नहीं है कि जोशीमठ की आबादी कितनी है, जोशीमठ की आबादी 24-25 हजार के बीच में होगी, लेकिन जोशीमठ में जो फ्लोटिंग आबादी है, यानी कि वहाँ यात्रा काल में लोग आते हैं, लाखों यात्री वहाँ पहुंचते हैं, पर्यटक वहाँ पहुंचते हैं, और अगर कोई दुर्घटना घटी तो ये सब चीजों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए उनके जीवन पर खतरा होगा। हाँ, जोशीमठ से जो लगते हुए गांव है वहाँ भी ये स्थिति है, जोशीमठ के आसपास आप देखेंगे बड़ा गांव है, बरसारी एक गांव है, उससे लगे हुए अन्य जो गांव है उनमें भी भूस्खलन हो रहा है, उनमें भी हालात खराब है। बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल, सरकार की चिंता जो है, हमारी जो मुख्य चिंता है, क्योंकि बड़ी आबादी वाला नगर है तो जोशीमठ मुख्य चिंता का केंद्र है, लेकिन अगर उसको ही ठीक से आप नहीं वो संभाल पाते हैं तो बाकी गांवों के लिए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल अतुल जी, धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के प्रमुख नगरों में से एक जो है ये जोशीमठ माना जाता है, जहां पर नरसिंह मंदिर भी स्थित है, तो फिर भी जो है सरकार के अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि कैसे जोशीमठ को जो है वो बचाया जा सके। न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, मतलब धार्मिक दृष्टि से तो है ही है और ये मतलब ऐतिहासिक भी है, यानी कि यहाँ जो है शंकराचार्य की तपस्थली है, कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की, ये कार्तिकेयपुर कहा जाता था, यानी कत्यूरों के राजवंश का राजधानी ये शहर रहा है, ये जो है
चीन और भारत के बीच में, तिब्बत और भारत के बीच में सांस्कृतिक संबंध थे, बिल्कुल व्यापार होता था 1962 से पहले, उस दृष्टि से व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है और इसका बड़ा महत्व है, स्ट्रेटेजिकली भी महत्व है, क्योंकि चीन और भारत के सीमा पर लगता हुआ ये अंतिम शहर है। बिल्कुल, इस तरह से इसका बहुत महत्व है और ऐसे नगर को बचाया जाना बहुत जरूरी है। और आप, क्योंकि हम लोग जो है पिछले कई सालों से इस बात को कह रहे हैं कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बना करके आप जो है इस नगर के भविष्य को खराब कर रहे हैं, इसके जो जियोलॉजी है उसको और कमजोर कर रहे हैं। तो क्योंकि लगातार लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, तब अगर नहीं चेते लोग, तब अगर सरकार नहीं कुछ करती है तो बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि 2021 की आपदा में हमने देखा कि हमने जो है रेणी गांव, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उस रेणी गांव के विस्थापन की मांग हम पिछले साल भर से, डेढ़ साल से कर रहे हैं, अभी तक सरकार उन 50 परिवारों का विस्थापन नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा शहर अगर जो है विस्थापित किया जाता है और तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप 50 परिवारों के गांव को उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतने सारे लोगों को कैसे आप विस्थापित करेंगे। बिल्कुल जान पर, अतुल जी, अतुल जी 1976 में ये कमेटी वहां पर आई थी कि उसके बाद जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो अलग राज्य बनने के बाद भी लगभग 22 वर्ष हो गए हैं, तो क्या उसके बाद किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि 46 वर्ष जो है वो काफी ज्यादा है, किसी ने यहाँ ध्यान देने की कोशिश नहीं की? किसी भी सरकार ने क्या की जो है, जब हम एनटीपीसी की परियोजना बन रही थी, मैं आपको किस्सा सुनाऊं, तो उस परियोजना के समय में हमने बार बार मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया और एक यहाँ के जो है मुख्य सचिव थे उस समय आरएस टोलिया जी, टोलिया जी के पास मैं गया और मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, ये 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि आप भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, आप इतनी बड़ी परियोजना की सुरंग बना रहे हैं, इसके बड़े इम्प्लीकेशन हो जाएंगे, इस नगर के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा देखिए कि हमने थोड़े निर्माण किया है, यहाँ तो ज्यादा निर्माण प्राइवेट हुआ है, लोगों ने मकान बनाए हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, तो आप तो उत्तर प्रदेश के जमाने में भी बड़े पदों पर थे, आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? अगर किसी ने यहाँ मकान बनाया है और कोई प्राइवेट निर्माण भी हुआ है तो सरकार ने उसकी अनुमति दी, वो जिम्मेदारी किसकी? वो जिम्मेदारी किसकी? भवन बनाया तो बगैर सरकार की अनुमति के नहीं बनाया। बिल्कुल। और जो पर्यटन वाला भी है यहाँ, गढ़वाल मंडल विकास निगम का इतना बड़ा भवन तो सरकार ने बनाया और उसका देखा देखी लोगों ने बनाना शुरू किया है, और इस पर प्रतिबंध भी अगर कोई लगाएगा, रोक भी कोई लगाएगा तो सरकार लगा सकती है, आप कैसे लोगों को इस पर दोषी ठहराएंगे? अतुल जी, अतुल जी, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि वहां पर ज्यादा निर्माण होगा, अधिक निर्माण होगा तो वो कहीं ना कहीं इलाके के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है? कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी? अगर थी तो क्या उसको नहीं माना गया? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। जयप्रकाश कंपनी की जब परियोजना बन रही थी तब भी लोगों ने सवाल उठाया, वहाँ उसकी सुरंग बनाने में बहुत सारा विस्फोट, वो लगातार सुरंग बनाने में कर रहा था और जो है वो उस विस्फोट से पूरा जोशीमठ नगर हिलता था। अभी 3 दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 3 दिन पहले जोशीमठ की उपजिलाधिकारी ने छापा मारा है एचसीसी कंपनी और टीएचडीसी कंपनी में, वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल वो सुरंग बनाने के लिए करने वाले थे। यानी कि आप इतना सारा विस्फोट करेंगे तो इस नगर के लिए तो खतरा होगा ही। यानी कि आज के दिन भी जब इतनी सारी रिपोर्टें ये सब बात कह रही है, तब भी जो है वहाँ विस्फोटकों से लदे हुए ट्रक मिल रहे हैं सरकार को, जिनमें जो है विस्फोटक है और उस विस्फोटक को द्वारा जो है आप सुरंग बनाने वाले हैं। जब आप इतना सारा विस्फोट वहाँ करेंगे उस नगर के अस्तित्व के लिए तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल अतुल जी, एक और जानना चाहूंगा, एक बात जानना चाहूंगा, 2017 के बाद भाजपा की सरकार वहां पर है और काफी उम्मीदों वाली सरकार है, पूरे देश में जो है वो जोड़ने वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, तो क्या आपको लगता है कुछ बदलाव जो है वहां देखने को मिले, या आप सब लोगों की उम्मीदें हैं? क्योंकि आप भी समाज सेवक हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपने लोगों की मन की बात जानी होगी। क्या आपको लगता है कि सरकार में वो उम्मीदें जो आपकी बनी हुई हैं उस पर जो है वो हल होगा? अब देखिए, सरकारों का तो जो है अभी विकास को लेकर के जो सोच है, उस विकास के सोच में, उस विकास के नजरिए में आम जनता नहीं है। अब आप बड़े बांध जी, अतुल जी, अतुल जी,
आप तक आवाज पहुंच रही है? ये लगता है अतुल जी हमारे साथ संपर्क में नहीं है, लेकिन जरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि जोशीमठ के आसपास जहां ढलान है वहां पर जो है वो काफी खतरा बना हुआ है। जोशीमठ क्षेत्र मोरेन यानी ग्लेशियर से लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ इलाका है। जोशीमठ को बचाए रखने के लिए यहाँ बड़े बड़े बोल्डर और चट्टानों से किसी तरह की छेड़छाड़ जो है नहीं होनी चाहिए, ये मिश्रा कमेटी ने कहा हुआ है। आपको बता दें, ये बेहद जरूरी आपको बताना, आज से 45 वर्ष पहले यानी 1976 में मिश्रा कमेटी ने वहां का सर्वेक्षण किया था, वहां पर पहुंची थी, कुछ बड़ी बड़ी बातें भी रखी थी, लेकिन आज तक सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिचुएशन जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। जोशीमठ क्षेत्र मोरेन यानी जो ग्लेशियर है वहाँ से मिट्टी लाकर जो है ये इलाका वहाँ पर बसा हुआ है। जोशीमठ को बचाए रखने के लिए कुछ कदम भी उठाने के लिए कहा गया था, शहर को खतरा हो सकता है, शहर में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ये कुछ बातें हैं। चलिए वापस हमारे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए और इसके साथ साथ मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जो भूस्खलन हो रहा है उसके लिहाज से देखा जाए तो जोशीमठ के आसपास की क्या स्थिति है, क्या हालात है? जी अतुल, जोशीमठ के आसपास तो हालात जो है बिल्कुल, एक सवाल जो आपने पहले पूछा सरकार को लेकर के, तो असल में मैं ये कह रहा था कि सरकारों का जो विकास को देखने का नजरिया है वो बड़ी सड़कें, बड़ा निर्माण, बड़ी चीजें, उसके केंद्र में कहीं भी आम आदमी नहीं है, यानी आम आदमी से जुड़ी हुई उसकी समस्याएं, उसकी चिंताएं वो नहीं है। अब ये जो बड़ा बड़ा जो हो रहा है निर्माण, वो जो है पहाड़ के पर्यावरण को, उसके वन को, उसके नदियों को, इन सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और क्योंकि हिमालय तो वैसे भी जो है सेंसिटिव जगह है, वो वैसे भी जो है सबसे फ्रेजाइल है, सबसे नए पहाड़ है, अब उनमें आप अगर इस तरह का निर्माण करेंगे तो उसके लिए खतरा पैदा हो ही जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आस पास का, तो जो जोशीमठ के हालात हैं उसके अगल बगल के जो गांव हैं, लगे हुए जोशीमठ से उर्गम है, बड़ी वैली है, वहां के यही हालात है। जोशीमठ ब्लॉक के 23 गांव ऐसे हैं जिनका विस्थापन किया जाना है, यानी कि जो लोग भूस्खलन के खतरे के नीचे जी रहे हैं और कभी भी भारी बरसात होती है तो जिनको अपना घर मकान छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है, ऐसे वहाँ 20-22-23 गांव ऐसे हैं जिनका विस्थापन किया जाना है और लगातार लोग खतरे के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं है। और हम लोगों ने तो कहा कि भाई जब आपके उत्तराखंड की सरकारों का ये कहना है कि यहाँ सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो भूतहा गांव है, होस्ट विलेजेस है, अतुल जी, खाली वर्तमान में जो कोई नहीं रह रहा, वर्तमान में जो हमने सरकार जी वर्तमान में जो सरकार है, क्या आपको उनसे उम्मीदें हैं, क्या आपको लगता है कि ये उम्मीदें पूरी होंगी? जो एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, इसका हल होगा, इस समस्या का हल होगा? अब हम तो केवल आशा ही कर सकती है कि सरकारें जो है सुने, सरकारें संवेदनशील हो जनता के जल जंगल जमीन के प्रति, जनता की तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके प्रति, और सबसे पहले तो उनका जीवन बचाना जरूरी है। आप शिक्षा स्वास्थ्य माना कि उसके बगैर हम जी भी लें किसी तरह से, लेकिन पहला तो जीवन है। और अगर जब जो है बड़ी कोई आपदा आ जाएगी और हमारे नीचे से जमीनें खिसक जाएगी, बिल्कुल अतुल जी, क्या आप मांगेंगे जी? ऋषि गंगा त्रासदी हम लोगों ने तो जो है लगातार सरकार को सुझाव भी दिए हैं, पर कितने घर ऐसे हैं जो तत्काल टूटने वाले हैं, कितने ऐसे जो आंशिक क्षतिग्रस्त हैं जिनका विस्थापित किया जाना है, कहाँ भूमि मिलेगी, कहाँ लोगों को रखा जा सकता है, आपदा की हालत में क्या होगा, और वो आपदा के लिए यहाँ से सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, लगातार वहाँ आपदाएं आ रही हैं। और ऋषि गंगा त्रासदी की भी बात करें तो बड़ी त्रासदी थी, तो उसका अगर सीधा सीधा असर देखें तो क्या कुछ जानकारी देंगे आप? नहीं, सीधा असर तो देखिए, वो जो अभी स्वतंत्र वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट है उसमें तो उन्होंने जो 2021 की आपदा का जो जो है उसको बड़ा कारण माना है जोशीमठ के भूस्खलन के लिए। उनका कहना है कि बड़ा धक्का था, इसमें हजारों टन मलबे ने एक साथ जो है जोशीमठ सोसाइटी को धक्का लगाया, उसको टक्कर मारी, और उसकी वजह से जो ये नया जो भूस्खलन है ये
स्टार्ट हुआ, ये शुरू हुआ और इससे जो है और नीचे से जो अलकनंदा धौली गंगा जो बह रही है उसका कटाव जो है बढ़ गया है 2021 की आपदा के बाद से और तेजी से जो है नगर जो है नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो आपदाओं ने तो निश्चित तौर पर इस विभीषिका है इसको जो है बढ़ाने का काम किया है, इसको एग्रीवेट किया है। बिल्कुल अतुल जी, तो क्या अपील आप सरकार से करेंगे, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं, समाज सेवक हैं, आप समाज में कार्यरत हैं और लोगों से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या एक अपील आपकी रहेगी सरकार के सामने, क्योंकि एक गंभीर मसला है। हमारी भी यही अपील है सरकार से कि जो हमने आपको मांग पत्र दिया है और सुझाव जो दिए हैं इन पर जो है शीघ्र अमल किया जाए, लोगों के घरों को चिन्हित किया जाए। जो तत्काल अभी जो है अक्टूबर का महीना आ रहा है, नवंबर दिसंबर में जोशीमठ में बर्फबारी होगी, ऐसे घर हैं लोगों के जो लोगों ने बलियों का टिकाए गए वो घर तत्काल टूटने वाले हैं। बड़े घर ऐसे हैं, बड़े कुछ होटल ऐसे हैं जो नीचे गिरने वाले हैं और बर्फ पड़ेगी तो ये जो है ज्यादा वनजबल हो जाएंगे, ज्यादा खतरे की गत में आ जाएंगे। उन घरों को चिन्हित किया जाए, उन लोगों के पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था किया जाए, उनको शिफ्ट किया जाए। कुछ लोग जो है किसी तरह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं घर मकान छोड़ करके, उनके लिए स्थायी व्यवस्था किया जाए और जिन लोगों को स्थापित किया जाना उसके लिए भूमि चिन्हित किया जाए। हमने तो सरकार को सुझाव दिया था कि आप औली में काफी जगह खाली है वहाँ जो है आप लोगों को बसा सकते हैं, वहाँ दो नाली तीन नाली जगह दे सकते हैं, लोग वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड की विस्थापन नीति है, विस्थापन नीति में बहुत सारी कमजोरियां हैं। केवल जो है 4 लाख रुपया और आधा नाली जमीन मिलता है, तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो है अपनी जो विस्थापन नीति है उसकी भी समीक्षा करे और नई और व्यापक विस्थापन नीति लेकर के आए। जी अतुल जी, जो चार धाम परियोजनाओं के अंतर्गत जो सड़कें बन रही है, तो क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में देखा जाए, तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है या कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं नहीं, जो चार धाम योजना है ये तो जोशीमठ से होकर के गुजर ही रही है और अभी तो जो है कुछ दिन से वहाँ बाईपास बना रही है सरकार, और ये चार धाम परियोजना जिसमें की बहुत चौड़ी सड़क बनाने का सरकार का योजना है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। जोशीमठ जैसे शहरों के लिए, जोशीमठ घाटी में तमाम जो गाँव है उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा इससे। मेरी तो अभी भी सरकार से मांग है कि जो बाईपास निर्माण का जो कार्य चल रहा है जिसको लेकर के सरकार बहुत ज्यादा एडमेंट है, हम तो गडकरी साहब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के पास भी मिले थे, उनसे भी हमने कहा था कि आप इस आइडिया को ड्रॉप करें, क्योंकि जोशीमठ के नीचे से अगर आप पहाड़ को काटेंगे तो पूरा शहर नीचे आ जाएगा। तो हमारी अभी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश है, केंद्रीय सड़क मंत्री से हमारा ये कहना है कि आप हो जाएगा ये चार धाम परियोजना के तहत बन रहा है, ये जोशीमठ के अस्तित्व के लिए खतरनाक होने वाला है। वहां की यात्रा से इसे प्रभावित होगी, हमारा जो जीवन है जो यात्रा पर निर्भर है, हमारी जो रोजी रोटी वो तो प्रभावित होगी, लेकिन पहला हमारा जीवन चला जाएगा मानवों का। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण डिबेट था आज, काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत थी आज। उत्तराखंड के जो जनपद चमोली में जो जोशीमठ क्षेत्र है वहां लगातार जो भू धसाव हो रहा है वो लगातार चल रहा है, जिसके चलते दशकों से वहाँ पर भू धसाव की समस्याएँ जूं की तू पड़ी हैं। आज की महत्वपूर्ण बातें जो है अतुल जी से की, अतुल जी आपका फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, नमस्कार। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।